हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा दंगल और बाहुबली 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में, वो भी जून 14 तारीख तक का। जी हाँ, जून 14 तारीख तक के जो कलेक्शंस आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और कहीं ना कहीं बाहुबली और दंगल बहुत ही स्ट्रांग तरह से सिनेमाघरों पर चल रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों फिल्में लगभग लगभग सिनेमा से उतरने के लिए तैयार हो चुकी है, यानी कि बहुत ही जल्दी सिनेमा के पर्दे से हट जाएगी। और दंगल का कलेक्शन जो आया है वर्ल्ड वाइड का, वो आया है 1955 करोड़ का। और इसमें बाहुबली 2 का कलेक्शन जो आया है वो आया है 1676 करोड़ का, यानी कि 1700 करोड़ इसे पहुंचना मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन भी आप बोल सकते हो। वहीं दंगल को सिर्फ अब कलेक्शंस के लिए 45 करोड़ चाहिए पहुंचने के लिए। मैंने जो कलेक्शंस आपको बताए थे वो करीबन करीबन उसमें से 2 से 3 करोड़ के बीच में कम बताए थे, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर उस वक्त शायद नहीं था, या तो फिर अपडेटेड फिगर्स आ गया होगा, क्योंकि जो फिगर्स मैंने बताया था वो रात को थोड़ा सा बढ़ा था शायद, और इसीलिए वर्ल्ड वाइड के कलेक्शंस में भी 3 करोड़ का इजाफा है। क्योंकि मैंने आपको कलेक्शंस बताया था कुछ 1953 करोड़ के आसपास तक कलेक्शन बताया था, यानी कि 52 करोड़ तक का। तो अब कलेक्शंस में देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 250 करोड़ तक का डिफरेंस है, और मुझे नहीं लगता है कि ये डिफरेंस अब पूरा होने वाला है। अब दंगल को सिर्फ 45 करोड़ चाहिए जो कि आराम से पार कर लेगी। वहीं बाहुबली का स्क्रीन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बस एक हफ्ते और लगेंगे उतर जाएगी, और दंगल जुलाई 4 तारीख तक बनी रहेगी चाइना में, मतलब और 2 से 3 हफ्ते उसे आराम से कमाने के लिए है फिलहाल। तो देखते हैं कितना और कलेक्शन जाता है बाहुबली और दंगल का वर्ल्ड वाइड लेवल पे। इसी तरह की न्यूज़ आपको आगे भी देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे भी विजिट करना ना भूले, वहां पे भी आपको अपडेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ। फिलहाल इतना ही, चलिए बाय बाय।